मैं मिस्टर विजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बस्ते पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश से रिलेटेड जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स आपको पता है फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कंपिटेटिव एग्जाम के लिए, और फिजिक्स में जो टॉपिक सबसे मोस्ट होता है वो टॉपिक कौन सा है, लाइट प्रकाश। जितना हो सके दोस्तों फिजिक्स में अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, चाहे वो कंपटीशन राजस्थान पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे रेलवे का हो, या ए टू जेड और किसी एग्जाम का हो, फिजिक्स में प्रायोरिटी क्वेश्चंस को हमेशा इसी टॉपिक में दी जाती है फिजिक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स हम थ्योरेटिकल ना फटकर क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गई। देखो दोस्तों सबसे पहले तो जिसे आपको ये पता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। ये दोस्तों सबको पता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये बनता है दोस्तों सूर्य किस किस से मिलकर बना होता है, सूर्य किस किस से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों सूर्य कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, दोस्त सूर्य कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, दोस्त एक तो बना होता है हाइड्रोजन से, एक बना होता है हीलियम से, हाइड्रोजन से और हीलियम से। पहला क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों, सूर्य किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन व हीलियम से। दूसरा क्वेश्चन आता दोस्तों सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है, सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्रेंड्स सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, कौन सा बम, हाइड्रोजन बम। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर। अगर आपसे ये पूछा जाए परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु बम, तो फ्रेंड्स परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, परमाणु बम का आविष्कार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, डॉक्टर ओटो होन ने, कौन से वैज्ञानिक ने, डॉक्टर ओटो होन। नेक्स्ट यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने, कौन से वैज्ञानिक ने किया दोस्तों, डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने। देखिए सूर्य किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन व हीलियम से। सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर ओटो होन ने। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहीं पर देखिए सूर्य, सूर्य से अपने को बहुत ही अधिक मात्रा में क्या मिलती है, ऊर्जा मान लो, और साथ में ये बोल दो प्रकाश मिलता है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से संबंधित या प्रकाश के स्पष्टीकरण से संबंधित न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों,
प्रकाश के स्पष्टीकरण से संबंधित डॉक्टर न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो दोस्तों न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? कणिका सिद्धांत। कौन सा दिया फ्रेंड्स? कणिका सिद्धांत। क्वेश्चन अपोजिट लैंग्वेज में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया? न्यूटन ने। सर आई थिंक न्यूटन, जिसने लोक मोशन के बारे में बताया था, गति के नियमों के बारे में भी बताया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रकाश के स्पष्टीकरण से संबंधित हाइगेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो फ्रेंड्स हाइगेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? तरंग सिद्धांत। तो आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? हाइगेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रकाश के स्पष्टीकरण से संबंधित, प्रकाश के स्पष्टीकरण से संबंधित चुंबकीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? दोस्तों कौन से सिद्धांत है? चुंबकीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो फ्रेंड्स एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। कौन सा वैज्ञानिक था फ्रेंड्स? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। और कौन सा सिद्धांत दिया इसने? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों? प्रकाश के स्पष्टीकरण से संबंधित विद्युत चुंबक के सिद्धांत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो किसने दिया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ऐसे भी पूछ ले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कौन सा सिद्धांत दिया? विद्युत चुंबक के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों प्रकाश के स्पष्टीकरण से संबंधित मैक्स प्लांक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मैक्स प्लांक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों मैक्स प्लांक ने भी एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने भी एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रकाश के स्पष्टीकरण से संबंधित आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? दोस्तों 1909 के अंदर, जैसे 1905 के अंदर आइंस्टीन आए थे, इन्होंने बोला था कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आता है और प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में आता है, जिसको आइंस्टीन एक सिद्धांत दिया था फोटोन सिद्धांत। कौन सा दिया था? फोटोन सिद्धांत। तो या तो ये पूछ ली फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। क्वांटम किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? किसके बारे में? प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? दोस्तों ये क्वेश्चन एलडीसी के अंदर आया था अगली बार। तो फ्रेंड्स प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले बताया डॉक्टर रोमर ने। कौन से वैज्ञानिक ने बताया? डॉक्टर रोमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन था आरएसपी 2016 के अंदर, प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होती है? प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होती है? तो दोस्तों प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में। और निर्वात को ही क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया?
डॉक्टरी रोमर ने, रोमर है ये फ्रेंड्स, रोमर, डॉक्टरी रोमर ने। नेक्स्ट, प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होती है? निर्वात या व्यतिकरण। इसी के साथ में दोस्तों क्वेश्चन बनता है, प्रकाश की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश की तीव्रता का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? फोटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? फोटोमीटर के द्वारा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रकाश की निर्वात या वैक्यूम में चाल कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात या वैक्यूम में चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें? निर्वात या वैक्यूम में। और प्रकाश की चाल के बारे में बताया किसने? रोमर ने। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? फोटोमीटर के द्वारा। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो दोस्तों प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ। और यहीं पर फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन बनता है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स प्रकाश किस प्रकृति का होता है? द्विगुणी प्रकृति या दोहरी प्रकृति का। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्विगुणी प्रकृति या दोहरी प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति होती है द्विगुणी प्रकृति या दोहरी प्रकृति। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड, प्रकाश को, किसको फ्रेंड्स? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? दोस्तों किसको? प्रकाश को। कहाँ से? सूर्य पर। सूर्य से कहाँ पर? पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो टाइम लगता फ्रेंड्स 8 मिनट 19 या 20 सेकेंड या 499 सेकेंड। तो दोस्तों प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 या 20 सेकेंड या 499 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो दोस्तों किसको? प्रकाश को। कहाँ से? चंद्रमा से। कहाँ पर? पृथ्वी पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो टाइम लगता है 1 मिनट 28 सेकेंड, 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते दोस्तों? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, दूरी का मात्रक होता है? तो फ्रेंड्स दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष नहीं हो तो
पारसिक, क्या होता है दोस्तों पारसिक। देखिए प्रकाश को वन ईयर के अंदर एक वर्ष में, सॉरी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन बना दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष या पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश की किरण का, इसका दोस्तों जैसे मान लो प्रकाश की किरण है तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपने मूल मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है। फ्रेंड्स ये परिभाषा अगली बार राजस्थान प्लेस के पेपर में पूछी गई थी, जो 18-19 के अंदर जो पेपर हुआ राजस्थान प्लेस का, उसके अंदर कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए और वो किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। देखिएगा दोस्तों एक तो है अपवर्तन और एक होता है परावर्तन, ज्यादा अंतर नहीं दोस्तों, अपवर्तन परावर्तन। प्रकाश की किरण का आना और सतह से टकराकर वापस लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। दोस्तों प्रकाश की किरण का आना सतह से टकराकर वापस लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। और प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपने मूल मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है, दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दोस्तों दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दोस्तों लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों स्टेथोस्कोप उपकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेथोस्कोप उपकरण प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फ्रेंड्स स्टेथोस्कोप उपकरण प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस सिद्धांत से संबंधित होता है, तो दोस्तों तारे किस कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो गए एवरेज आपके 35 से 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों ये तो बेसिक क्वेश्चन आपके प्रकाश के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब कल आपको प्रकाश की घटनाओं से रिलेटेड जो 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में बात करें। दोस्तों कल का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, 100% उस वीडियो में एक या दो क्वेश्चन आपके कंपटीशन के अंदर आ ही जाते हैं। उसके बाद में तीसरा वीडियो प्रकाश का ही होगा और उसमें दर्पण और लेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी दोस्तों, पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए और साथ में लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।